नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली का। देखिए, ये हैं 34 इयर्स प्लस मेल पर्सन और फॉरेन कंट्री में रहते हैं। इनका कुछ कहना है कि तलाक की स्थिति चल रही है, तलाक होने वाला है, और जो है इनके ऊपर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी हैं। तो ये सब से कब बाहर आएंगे? इन्होंने अपनी पत्नी की कुंडली भी हमें भेजी है, तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है और तलाक की वजह क्या है। आगे जो है सेकंड मैरिज का योग कब बनता है, आगे गृह जीवन यानी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि इनकी एज 34 ईयर्स 10 मंथ्स है। अब यहाँ पर देखें तो सिंह लगन यानी कि लियो सिंह लगन, जिसका स्वामी है सूर्य, तो ये लग्नेश ये है। और सूर्य की बात करें तो 11वें भाव में बैठा है, तो 11वें भाव में बैठा है, बुध की राशि में, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर इनकी कुंडली में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुंडली में जो है ये रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोगों का लिंक जो है ट्रैवल्स, विदेश में काम करना, विदेश से लाभ मिलना, जो कि हम इनके बारे में ऐसा योग फलित भी हो रहा है। अब इनके जीवन में तलाक की स्थिति क्यों बनी, तो सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, लग्न में केतु का बैठना यानी खुद के मन में एक बड़े स्पिरिचुअल अच्छे विचार होना, और जो पत्नी मिलती है वो ऑपोजिट मिलती है, राहु का सातवें घर में बैठना, तो ये कहीं ना कहीं राहु के पास दिमाग है, पैर नहीं है। तो क्या होता है कि चीज़ों को एक अलग एंगल से देखना, डिफरेंसेस आना, आपस में तालमेल की दिक्कत आना, वो चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा है। तो अब ये देखिए, हम इनकी कुंडली में दोनों का जब कुंडली मिलान करते हैं तो देखेंगे कि कुंडली मिलान करने पे कितने गण हमारे मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा की राशि मीन राशि है पाइसिस, और गुरु की राशि जो है वो देखिए ये दो नंबर यानी कि वृषभ राशि टॉरस, ये हमें दिखती है। तो चलिए अब हम पत्नी की कुंडली से हम मिलान करेंगे। अब देखिए, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी मिलाना ज़रूरी होता है। जब कुंडली मिलान देखा जाता है तो चंद्रमा देखिए यहाँ पर पत्नी की कुंडली में छठे भाव में बैठा है, और इनका चंद्रमा वहाँ से 12वें नंबर पर है, यानी कि देखिए हमने मीन राशि का चंद्रमा देखा था। अगर हम काउंट करें चंद्रमा को आपस में मिलाएँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठी एक कहना चाहिए कि छठी दृष्टि आपस में दोनों देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो पत्नी का जो चंद्रमा है और पति का चंद्रमा है, दोनों में 6 घर का डिफरेंस आ रहा है, और ऐसे अगर पति से पत्नी का मिलाएं तो 8 घर का डिफरेंस है, तो इसे बोलते हैं षष्ठम और अष्टम योग बन रहा है, तो यानी कि छठा आठ योग बन रहा है, तो जो कि अशुभ होता है, जो तालमेल में दिक्कत देता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ में दिक्कत दे रहा है। एक तो ये चीज़ हमें दिखी। और बात करें तो ये देखिए, गुरु की भी बात करेंगे तो गुरु यहाँ पे इनकी उच्च राशि में है, लेकिन इनका गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु की भी दृष्टि आपस में दोनों की कैच नहीं कर रही है, कोई शुभ दृष्टि आपस में कैच करना, वो चीज़ का प्रॉब्लम दिखता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि तो चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा होता है मन का कारक, चंद्रमा जब मन का कारक होता है तो अपने आप जो है चंद्रमा हमेशा मैच करना चाहिए। कुंडलियों में चंद्रमा की मैचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग खाली लग्न को मैच करते हैं तो, लेकिन चंद्रमा को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब चंद्रमा ही जब मैच ना हो, मन ही मैच ना हो, तो कैसे जीवन की गाड़ी चलेगी। अब हम कुंडली मिलान पर भी चलते हैं। अब कुंडली मिलान करने पर देखिए 12.5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 12.5 गुण मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में ही शादी को असफल बना रहे हैं। शादी को सफल बनाने के लिए जो है एक बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि एक 18 का स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो 50% से भी बिलो का स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाड़ी दोष भी आ रहा है, ब्रकुट दोष आ रहा है, ये सारे दोष हमें दिख रहे हैं। अगर गण की बात करें, गण मिल रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये मैत्री कंपैटिबिलिटी चंद्रमा के कारण ये सब चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें अगर हम देखें तो इनकी जो है काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब है, लेकिन सब में सब चीज़ मैच नहीं हो सकती, लेकिन ब्रकुट और नाड़ी दोष इतना बड़ा है तो वो अपने आप में ही कुंडली को मैचिंग को कमज़ोर बना रहा है।
अब हम वापस कुंडली पे आके इनकी कुंडली पे बात करेंगे। तो हमने तलाक का रीज़न भी हमने देखा कि कुंडली मिलान ना हो पाना, चंद्रमा नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब ये देखिए कि इनके कुछ प्रश्न हैं कि ये जो है कि इनको उन्होंने जो अभी इनके ऊपर जो केसेस हैं और तलाक की अभी कार्रवाई बाकी है, आधी कार्रवाई हो चुकी है, बाकी आधी कार्रवाई बाकी है, तो क्या आगे रहने वाला है। तो देखें इनके जो आगे कुंडली में हमें क्या पता चलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गृह जीवन का स्वामी जो है शनि है। शनि गृह जीवन को कठिन भी बनाता है। यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर शनि, दोनों ऑपोजिट, सूर्य शनि। अगर आप देखें तो गृह जीवन का जो स्वामी शनि है, शनि बैठा है पंचम भाव में और उसके ऊपर शनि जो है सूर्य की दृष्टि बन रही है। सूर्य और शनि की कभी नहीं बनती, ये हम जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य शनि की कभी नहीं बनती और सूर्य की सीधी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो उसके कारण चीज़ों में दिक्कतें, परेशानी आना, एक तो जैसे कहते हैं ना, एक तो ये प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से दिक्कतें आना। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो है अब इसमें देखिए जो हुआ सो हुआ। अब इनका जो क्वेश्चन था कि सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो उसका योग कब है, यहाँ पर देखें तो सेकंड मैरिज के लिए नवम भाव देखा जाता है, फर्स्ट मैरिज के लिए सेवन्थ हाउस और सेकंड मैरिज के लिए नाइन्थ हाउस, नवम भाव देखा जाता है। नवम भाव की बात करें तो गुरु इस समय अभी यहाँ पर आए हुए हैं, गुरु उस समय यहाँ पर आए हुए हैं। और गुरु की बात करें तो गुरु का जो ट्रांजिट है, देखिए गुरु अगले साल बात करेंगे तो अगले साल 2025 से 2025 के मिड से लेके 2026 तक में इनका शादी का योग बनेगा। 2025 के जून से लेके इनका लेके 26 तक का योग बनेगा। तो ये एक तो ये योग है यहाँ पर जब आएंगे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर सीधा पंचम भाव में जो प्यार का हमारा घर है उस पर भी दृष्टि डालेंगे, एक तो ये योग है। लेकिन अगर ये किसी कारण ये मिस होता है या कई बार होता है इंसान का कि नहीं मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, तो फिर इनका जो सीधा शादी का योग बनेगा जब जुपिटर यहाँ पर आएंगे, यानी कि 2027 में, फिर सीधा 2027 में योग बनेगा। तो एक तो ये सीन हमें समझ में आता है। और देखिए इस शादी में दूसरी शादी के लिए कुछ उपाय इनको करने होंगे जिससे कि शादी सफल हो, क्योंकि मंगल जो है दूसरी शादी का कारक वो अपनी नीच राशि में बैठा है। हालांकि वीनस के साथ बैठा है तो थोड़ा सा सपोर्ट, वीनस का अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है, शादी को खुशनुमा बना रहा है, लेकिन फिर भी मंगल अपना नीच राशि में एक डर की स्थिति थोड़ी पैदा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अब चलते हैं इनकी कुंडली के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए बुध, ये दोनों बुध के जो राशियाँ हैं इनकी बात करेंगे। तो सूर्य का तो पहले हमने देखा कि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये इन जैसे कहते हैं ना धन लाभ की कुंडली, धन कमाने की कुंडली। इनका क्वेश्चन ये भी था कि ये और कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा, तो ये क्या स्थिति है। तो ये इनकी कुंडली में बेसिकली ब्लॉकेजेस की स्थिति भी दिखती है, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि क्यों दिख रही है। तो ये बुध की स्थिति की बात करें तो बुध बैठे यहाँ पर, देखिए इनकम कमाने का जो ग्रह है, सूर्य बल तो दे रहा है बुध में की राशि में बैठ के अपनी खुद मित्र की राशि में, लेकिन यहाँ पर जो है जो 11वें भाव का जो स्वामी है वो यहाँ बैठ गया है, तो ये थोड़ा सा अपना फल थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा सा इनकम मिल रही है लेकिन एक टाइम पे आके एक जैसे ग्रोथ रुक जाना, वो चीज़ का प्रॉब्लम देना, थोड़ा सा ये चीज़ का प्रॉब्लम है। यहाँ पर बात करेंगे अब आगे वीनस की बात करेंगे। वीनस देखिए यहाँ का स्वामी वीनस और यहाँ का स्वामी वीनस, ये बैठा है यहाँ पर 12वें भाव में, फॉरेन कंट्री के भाव में बैठा है। फॉरेन लेके जाना, दूर से काम करवाना, ये सारी चीज़ें। और ये जैसे होता है ना करियर, दूर जाके ही करियर बनता है ऐसे लोगों का। अब ये देखिए यहाँ पर मंगल की बात करेंगे। मंगल ये 9वें भाव का मंगल और चतुर्थ भाव का मंगल, ये क्या है नीच राशि में बैठ गया है। अब देखिए क्या होता है कि जब सुख स्थान का स्वामी अगर नीच राशि वाली स्थिति में हो तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ा हुआ होता है, मन की शांति खत्म हो जाना, स्ट्रगल बढ़ा हुआ, हर चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एक बार में काम नहीं बन रहा, कई कई बार में मुझे काम बनता है, बड़ी मुश्किलों से बनता है, साल लग जाते हैं काम बनने में, ये चीज़ का प्रॉब्लम आना। जैसे होता ना इंसान कहता है कि मैं तो लटक सा गया हूँ, मेरे तो काम ही रुक रुक के बन रहे हैं, बनने में ही सालों लग रहे हैं, ऐसे वाली स्थिति। अब इनकी बात करेंगे, देखिए
यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी इनको कि इनकी शनि की साढ़े साती भी चल रही है, शनि की साढ़े साती भी इनकी शुरू हो चुकी है। इस कारण चीज़ों में एक झटका, शनि की साढ़े साती का टाइम पीरियड भी पिछले डेढ़ साल से इनका चल रहा है, तो वो इनको दिक्कतें परेशानी दे रहा है। जैसे होता ना पिछले डेढ़ साल में भाग दौड़ इतनी बुरी तरह से, और जैसे इंसान झंझुड़ जाता है कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और गृहस्थ जीवन में आके शनि यहाँ बैठ गया है। तो ये जैसे होता ना कि मैं तो इनका फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, 2025 में इनका जो है मार्च में ख़त्म होगा, तो उससे इनको फिर रिलीफ मिलेगा। इनको 2025 में जाके मार्च में रिलीफ मिलेगा, और ये साढ़े साती का फर्स्ट फेज। साढ़े साती को हम साढ़े साती क्यों कहते हैं, फर्स्ट फेज तीन फेज होते हैं, फर्स्ट फेज ढाई साल, सेकंड फेज फिर ढाई साल, थर्ड फेज फिर ढाई साल। तो फर्स्ट फेज सबसे कठिन होता है, सेकंड फेज में आपको अच्छे एक बेटरमेंट मिलता है, और थर्ड फेज़ में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। होता क्या है कि इंसान ना, देखिए क्या होता है कि शनि ऐसा नहीं कि दुखी दुख देते हैं, शनि जो होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, शनि जो है हमें सिखाते हैं बहुत सारी बातें सिखाते हैं शनि, जिसके कारण हम जो है हमें सीखना किसी को अच्छा नहीं लगता, स्ट्रिक्टनेस किसी को नहीं अच्छी लगती, वही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो जैसी शनि का टाइम ये क्रॉस होगा इनका, ये सेकंड फेज ऑफ साढ़े साती में आएंगे, इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब इनकी कुंडली में यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि देखिए ये शनि की, शनि यहाँ बैठे हैं, शनि की अपनी दो राशियाँ ये देखिए ये, तो अपनी राशि से देखिए गृहस्थ जीवन से ये 11वें स्थान में बैठे हैं, तो ये सेकंड चांस भी देंगे और बेटर, एक होता ना कि लाइफ को दोबारा से शुरू करना एक अच्छा जीवन दिखाता है। अब ये देखिए छठे भाव का स्वामी ये अपने से 12वें भाव में बैठता है, तो ये क्या होता है कोर्ट केसेस, फालतू की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं, और ये रेट्रोग्रेड भी है, तो रेट्रोग्रेड होने से पिछले भाव का फल भी आता है, तो सुख स्थान को भी ये ट्रिगर कर रहा है। तो उसके लिए भी मैं इनको उपाय बोलूँगी कि हर शनिवार दान करें, साढ़े साथी तो चली रही, हर शनिवार दान करवाएं। ये जैसे फॉरेन कंट्री में है तो कोई बर्गर या कॉफ़ी सस्पेंड कर दें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हर सैटरडे सैटरडे उपाय करें, लंबे समय तक करें जब तक कि अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर ना आ जाएं। अब इनकी कुंडली में मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे पास्ट लाइफ के जो का पूर्व जन्म की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पूर्व जन्म की प्रॉब्लम्स जो है नवे भाव में से हम अपना पूर्व जन्म भी देखते हैं, और पूर्व जन्म का ग्रह ये देखिए कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके भी ये लाए हैं। होता क्या है हमारे मनुष्य हैं, कई जन्मों से हम ट्रैवल कर रहे हैं, सारे चीज़ों का कर्मा का बैगेज, एक हैवी बैगेज आ जाता है मनुष्य पर, तो उसके कारण इंसान अपने प्रेजेंट जन्म में बहुत सारी चीज़ों की सफरिंग देखता है, जिसका जितनी ज़्यादा सफरिंग यानी कि उतना बड़ा बड़ा बैगेज ये चीज़ होती है, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं, हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम। इंसान ऐसा लगेगा कि भाई मैं गृहस्थ जीवन में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम, सारी चीज़ों से मैं घिरा हुआ हूँ वो चीज़ें। और शनि का जब भी रेट्रोग्रेड होता है, शनि जब भी किसी की कुंडली में अगर रेट्रोग्रेड है यानी कि बकरी है, तो वो पिछले भाव का फल दे रहा है, जैसे मैंने कहा सुख स्थान के को ट्रिगर करा। अब क्या होता है कि क्यों ऐसा ग्रह हमें मिला, हमारी कुंडली में ही एक ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास बैलेंस हैं, तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास बैलेंस हैं, अगर ये कर्मास उन कर्मास को कंप्लीट करते हैं तो ये अपने आप में ये उन सारी प्रॉब्लम से अपने आप छुटकारा धीरे धीरे करके एक प्रॉब्लम इनकी ख़त्म होती जाएगी, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा इनको मिलता जाएगा। तो ये शनि का, शनि इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट लाइफ से चीज़ें कनेक्टेड इनके हैं, पिछले जन्म से ही कैरी फॉरवर्ड करके आई हैं। तो उसके लिए भी मैं इनको उपाय बताऊंगी जिससे कि ये जल्द से जल्द 3 से 6 महीने में सारी प्रॉब्लम्स का खात्मा इनके जीवन में हो जाएगा, और जीवन में काफ़ी रिलीफ और शांति ये महसूस करेंगे। अभी ये बात करें यहाँ पर, ये देखें हमने गुरु की भी स्टडी कर ली, गुरु ये देखिए गुरु जो है यहाँ पर, ये देखिए पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे, तो ये क्या है कि अनएक्सपेक्टेड मनी गेंस भी देते हैं चीज़ों में। गुरु कहते हैं कि वह रिलीफ मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा अनएक्सपेक्टेडली, और एक बड़ी जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों का वर्क होगा। और मंगल की बात करें, मंगल भी हमने स्टडी करा, शुक्र स्टडी करा, बुध, और ये देखिए चंद्रमा, चंद्रमा अष्टम भाव का, ये 12वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठे तो अपने शत्रुओं से लड़ने की पूरी क्षमता भी देता है, इनके अंदर बहुत जज्बा, हिम्मत, ताकत बहुत है। तो ये चीज़ हमें इनकी कुंडली से समझ में आती है। अब इनकी कुंडली की बात करें तो यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि, जन्म के शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, और ये देखिए
आठ नौ दस, ये देखिए देखिए परिवार को ट्रिगर कर रहा है। परिवार में क्या होता है, सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे लोगों को। फिर ये देखिए इनकम में, जैसे मैंने कहा कि एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ में रुकावट, कि बस मैं यहीं स्टक हो गया हूँ, वो स्टकनेस मिलती है। गृह जीवन को ट्रिगर कर दिया है शनि ने, वक्री शनि ने। दूसरी चीज़ बात करेंगे कि जैसे गुरु है, लेकिन गुरु बहुत ही बढ़िया ग्रह है। गुरु के पास जो दृष्टियाँ हैं तो वो दे रहा है एक दो तीन चार पाँच, पाँच पंचम दृष्टि, फिर उसके बाद सातवीं दृष्टि, फिर नवम दृष्टि। तो ये कहीं ना कहीं बचाव भी कर रहा है। जैसे होता है कि हमारे पास चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रास्ता भी है। आपको ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में यही करते रहना है, आपकी लाइफ में बेटरमेंट भी है। चीज़ें डिले हैं लेकिन डिनाइड नहीं है, ये चीज़ को भी हम ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इनकी कुंडली में बात करें, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, कुंडली में काफ़ी अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी अब तक मिला है, ये देखिए मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे, मंगल और शुक्र, ये देखिए नवम भाव और दशम भाव जब मिलके बैठते हैं तो कुंडली को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। तो वो कुंडली में एक कुंडली में कहिए कि एक वेटेज लेकर आते हैं। बस थोड़ा सा मंगल का ये जो है दिक्कत ये दे रहा है मंगल थोड़ा सा, इसलिए जो स्लोनेस ये देख रहे हैं वो इस कारण है। तो मंगल का भी मैं उपाय बताऊंगी इनको कि मंगल का हर मंगलवार जो है जो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हर मंगलवार दान करें, सैटरडे या मंगलवार भी, या बल्कि मैं बोलूँगी मंगलवार मंगलवार दान करें और सैटरडे भी कोशिश करें कि सैटरडे और मंगल दो दिन दान करेंगे तो अपने आप ये जो इनकी ग्रहों की शांति होगी, अपने आप इनके जीवन में एक धीरे 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 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट इनके आएगा। क्योंकि जब तक कहते हैं ना मंगल का जो दोष आता है वो हनुमान जी के कारण आता है, हनुमान जी की नाराज़गी के कारण आता है। तो अब जैसे कि मंगलवार को ये किसी को अगर कुछ हेल्प करते हैं हर मंगलवार, जैसे कॉफ़ी है या कोई मील है उससे हेल्प करते हैं, तो इनके जीवन में अपने आप सुख शांति आएगी। अब चलते हैं इनके नवमांश चार्ट पे। नवमांश चार्ट की बात करें तो यहाँ पे ये चेक करा जाता है कौन से ग्रह उच्च राशि में, कौन से ग्रह नीच राशि में है। तो कोई भी ग्रह नीच राशि में हमें नहीं दिखता, सब ग्रह की अपनी अच्छी पावर हमें दिख रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात हमें यहाँ नहीं दिखती। अब देखिए चलित चार्ट की बात करेंगे, चलित चार्ट में मंगल अगेन हमें नीच राशि में ही दिखते हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं, जो अपने आप में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है तो हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए शनि का यहाँ छठे भाव में आना, तो शनि का छठे भाव में आके अगर हमें दिखा रहा है ये देखिए कि अपने शत्रुओं को परास्त करने की हिम्मत भी इनके अंदर है, हिम्मत जज्बा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करेंगे और ये देखिए लग्न की बात करेंगे, सूर्य लग्न है तो अपने आप में मजबूत होना, थोड़ा परिवार से देखिए सपोर्ट कम मिलना, देखिए 28 नंबर से जहाँ स्कोर कम होता है तो वहाँ दिक्कत आती है, तो परिवार का थोड़ा सुख कम डिले मिलना। ये देखिए जज्बा बहुत है, पराक्रमी बहुत ज़्यादा है, देखिए सुख स्थान का स्वामी देखिए अपने आप 21 पॉइंट्स हैं कम है। अब ये देखिए फिफ्थ हाउस लव अफेक्शन केयर बच्चे ये चीज़, फिर सिक्स्थ हाउस में ये देखिए अपने शत्रुओं को परास्त करने का भाव बहुत तेज है इनका, फिर गृह जीवन 25 नंबर है, और फिर ये देखिए अष्टम भाव अनएक्सपेक्टेड गेंस ये भी हमें दिख रहा है, फिर उसके बाद नवम भाव, ये देखिए नवम भाव हमारे पूर्व जन्म का भाव है, पूर्व जन्म के अच्छे फल भी मिलेंगे इन्हें आगे, फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए दसवा भाव करियर का बहुत अच्छा है, इनकम ये देखिए इनकम जितनी हुई उतने ही इनको, बारहवा भाव होता है एक्सपेंडिचर और लॉसेस का, तो बारहवा भाव एक्सपेंडिचर और लॉसेस का भी होता है, ट्रैवल्स का भी होता है, लेकिन ये देखिए दोनों बराबर है, तो सेविंग्स में दिक्कतें आना, इंसान के जैसे जितना कमाया वो सारा निकल गया मेरा, और वही इनके साथ हुआ होगा जीवन में। जैसे एक होता ना कि मैंने पाई पाई जोड़ी इतना सब कुछ किया लेकिन एक झटके में सारी चीज़ें मेरी निकल गई, वो चीज़ का प्रॉब्लम देखना। पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें कि कुंडली में जो चीज़ें हैं, जो दोष आते हैं, जो परेशानी आती है उनको ठीक नहीं किया जा सकता। लोग सोचते हैं कि भाई जो एक बार हो गया, जो कुंडली मिल गई, जो जैसा है ईश्वर ने दे दिया ठीक है, लेकिन रेमेडीज़ भी ईश्वर ने ही बनाई हैं। जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ को फॉलो करने से, उपाय को फॉलो करने से इंसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी आता है और एक अच्छा जीवन भी उसको मिलता है, एक अच्छा जीवन जीना के चांस मिलते हैं उसको, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दशाओं की ओर। अब देखिए यहाँ पे दशा वीनस की दशा 20 साल चल रही है, ये देखिए शुक्र की दशा 20 साल से चल रही है, 2026 में ख़त्म होगी। देखिए यहाँ पर
अब इनकी वीनस की दशा की बात करें तो ये देखिए, ये सबसे काफ़ी कठिन पीरियड, शनि का अंतर भी था, काफ़ी कठिन पीरियड। अब ये देखिए, ये मरकुरी, मरकुरी कुंडली में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ग्रह है, तो ये सपोर्ट कर रहा है चीज़ों से बाहर आने में। और मैंने इनको बोला कि शनि की साढ़े साथी इनकी जो है मार्च में ख़त्म हो रही है, और मई में ये देखिए रिलीव हो जाएंगे चीज़ों से, और ये ट्रैवल्स भी कर सकेंगे। केतु की महादशा आ रही है तो आगे ट्रैवल्स का योग भी 2025 से 2026 में बनेगा, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं कुंडली में। अब हम बात करेंगे मुंथा राशि की। मुंथा राशि तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में पराक्रम का भाव है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, और ये उपाचे हाउस है, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देने के बाद शत्रुओं पे विजय पाने की क्षमता दे रहा है, यानी कि आप अपने शत्रुओं को हरा पाएंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है, और अपने ही घर में बुध की राशि में बन रहा है, तो ये साल काफ़ी प्रबली की मतलब होता है ना कि भाई अब मैं प्रॉब्लम से बाहर आ रहा हूँ धीरे धीरे करके, इस तरह से चीज़ें बनती हुई दिखेंगी। एक तो ये चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा मन का भटकाव, अनसेटिस्फेक्शन ये राहु करा सकता है। और बात करेंगे तो ये मंगल नीच राशि का अगेन परेशान कर सकता है थोड़ा सा, कि जैसे होता ना जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता तब तक मैं कैसे अपने आप को सुखी मान लूँ, वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। शनि धीरे धीरे सपोर्ट करता रहेगा चीज़ों के लिए कि आप बाहर आएँ, जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को आपको इस टाइम पीरियड में मिला होगा, पिछले एक साल में बहुत कुछ सीखा होगा आपने, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अब बात करें मुंथा राशि यहाँ पर 2024 से लेकर 2025 तक में, तो मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस कराएगा, ये समय आपको सारी प्रॉब्लम से रिलीव कराएगा। मंगल भी आपका कहीं सपोर्ट कर रहा है अपनी खुद की राशि में बैठ के, और शनि अपनी राशि में है तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। साथ में देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, और ये देखिए ये जो बुध है वो भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये सब आपको फेवर कर रहे हैं, सारे फेवरेबल ग्रह हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मंगल भी हर हाल में आपको एक तरह का बेटरमेंट आपके दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट में जैसे होता ना कि अब समय आ रहा है कि आप धीरे धीरे चीज़ों से बाहर आते जाएंगे, आगे के आने वाले 2 वर्ष ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि साढ़े साथी का फर्स्ट फेज़ भी आपका 2025 में ख़त्म हो रहा है, और भी हमने दशा भी आपकी देखी कि मई में एक दशा आपकी एंड हो रही है, धीरे 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 करके अब आपके अगले 1 से 1.5 वर्ष में सारी चीज़ों से आप रिलीफ पा लेंगे। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों से एक एक करके जो लाइफ में जो सारे उलझनों में आप उलझे हुए हो, सब कार्मिक साइकिल आपकी एंड होने का समय आ गया है। जीवन में देखिए जब भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो समझ जाइए कि ये ज़रूर पास से कैरी होके आया है, तो वो इसी वजह से सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है। अब चलते हैं इनके मेन चार्ट पे। तो ओवरऑल देखें तो चार्ट अच्छा है, प्रॉस्पेरिंग है, आगे जैसे कहते हैं ना जीवन में अब अच्छा समय आने का समय आ रहा है। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस, धन्यवाद।